आईवी इंडिया न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। 48 घंटों की बारिश से श्रावस्ती जिले में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि जहां मानसून की इस पहली बारिश से एक तरफ जिले में जगह जगह व सरकारी परिसरों में जलभराव तो है, वहीं पानी के तेज बहाव के कारण गाँव का संपर्क कट जाने से ग्रामीणों का आवागमन भी अवरुद्ध हो गया है। जिले के गिलौला और भिनगा कस्बे के आसपास भी गाँव में पानी भरा होने से लोगों के चेहरे पर साफ सिकर नजर आए। वही तहसील जमुनाहा के क्षेत्र मनकौरा गांव के करीब पानी के तेज बहाव से मुख्य संपर्क कटकर बह जाने से दर्जनों गांव आगमन से प्रभावित हुए। मानसून पहली बारिश से जहां जिले में आम जनमानस प्रभावित हुआ है, वहीं प्रसिद्धीय विद्यालय में जलभराव होने से शिक्षण कार्य भी प्रभावित हुआ। पड़ोसी देश नेपाल में भी बारिश होने से एक बार फिर जिले के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधिकारी ने इसे निपटने हेतु संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डीएम और एसपी बाढ़ संभावित इलाकों का बार बार निरीक्षण भी कर रहे हैं।